सो दिस व्लॉग इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस व्लॉग. तो अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर उसे लिंक कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक प्रोवाइड किया है, उसे ज़रूर चेक कीजिए. हम लोग यहाँ पर पैसिफिक मॉल आए हैं शॉपिंग करने थोड़ी सी, क्योंकि कल है इंगेजमेंट तो लास्ट मिनट कुछ शॉपिंग करनी थी. अरे बहुत जल्दी नहीं है, उसका पिगमेंट सही है. अभी हम लोग हैं नायका लक्स स्टोर में, जहाँ पर कुछ लग्जरी मेकअप शॉपिंग करने आए हैं मैं और स्नेहा. दिस इज हर कलर. इफ शी वांट अ लाइटर टोन देन मैं लाइटर टोन भी दिखा सकती हूँ. NC42 इज योर कलर. दिस इज परफेक्ट मैच. Perfect match. I'm not making her brighter or fairer. This is her tone. See, you can see that how perfectly it's blending with her skin tone. Because अगर आप अपना skin से ज़्यादा lighter tone दोगे ना तो क्या करना है? आर्टिफिशियल हो जाता है. अच्छा, what do you prefer? Shade lighter ले या फिर compact shade lighter? आप एक शेड इसके साथ कॉम्पैक्ट लाइटर ले सकते हैं. कॉम्पैक्ट लाइटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल ऑक्सीडाइज. नहीं, अगर आप देखो जैसे इनका फाउंडेशन का शेड सही है. व्हाई पीपल से कि आप कॉम्पैक्ट एक शेड लाइटर ले सकते हो, बिकॉज जब वो आपकी बॉडी हीट में या मॉइस्चर में मर्ज होता है, यानी कि वो वेट होता है कॉम्पैक्ट, वो एक शेड डार्कर भी हो जाता है. इसीलिए कॉम्पैक्ट हमेशा एक शेड लाइटर लेना चाहिए. बट इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपने फाउंडेशन कैसा लिया है. अगर आपने फाउंडेशन भी लाइटर लिया है देन आप फिर कॉम्पैक्ट लाइटर नहीं लेंगे. ऐसा नहीं है, जैसे आपने 40 अगर फाउंडेशन ले लिया तो उसके साथ आप थोड़ी ना 40 के साथ फिर आप 35 थोड़ी कॉम्पैक्ट ले लोगे. तो आपको 40 के साथ फिर 40 ही लेना पड़ेगा. अब जैसे मैं इनको स्किन इनके स्किन टोन का फाउंडेशन दे रही हूँ, तो इसके साथ ही एक शेड लाइटर कॉम्पैक्ट ले सकते हैं, लाइक 41 ले सकते हैं. अब ये फाउंडेशन तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना आफ्टर प्राइमर यूज़ करते हो ना? यूज़ प्राइमर बिफोर फाउंडेशन वो नहीं होता ऑक्सीडाइज. शेड इसका एक शेड लाइटर वाला भी लगा के फॉर फाउंडेशन वी ऑप्टेड फॉर द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड विच इज मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन. लेकिन जो हमें असिस्ट कर रही थी वो जो शेड ला रही थी ना वो थोड़ा सा डार्क लग रहा था स्नेहा के स्किन टोन से, तो हमने एक शेड लाइटर उन्हें कहा और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कॉम्पैक्ट पाउडर आप एक शेड लाइटर लो तो बेहतर रहेगा. तो हमने कॉम्पैक्ट भी ट्राई किया, जो स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एज कम्पेयर टू द फाउंडेशन. क्योंकि फाउंडेशन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतना खास नहीं लगा. उस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारे आजकल नेचुरल फिनिश वाले हाई कवरेज फाउंडेशंस आ गए हैं, तो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा. मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा लगा. पहले उन्होंने नोटिस नहीं किया था, फाउंडेशन लगा दिया था, बट उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि फेस क्लीन करना ज़रूरी है, तो उन्होंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया. उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पर टेस्टर जो सैम्पल वहाँ पर रहते हैं वो लगाया, जो NC20 शेड में था. एंड शी कंक्लूडेड दैट मेरा जो फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट का परफेक्ट मैच शेड है वो है NC20. मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी एंड आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट ऑकवर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा नायका लक्स स्टोर में विजिट था एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. क्योंकि बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम हुडा ब्यूटी, मेकअप रेवोल्यूशन, एस्टी लॉडर, टू फेस्ड कनाडा. एक्चुअली दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू शॉप फॉर लग्जरी मेकअप एट अ लग्जरी स्टोर. मैंने इससे पहले कभी भी नायका लक्स स्टोर पे विजिट भी नहीं किया था और कोई भी लग्जरी मेकअप भी शॉप नहीं किया था, तो मुझे मैक के ही प्रोडक्ट्स लेने थे फॉर द फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे मैक पे बाई टू गेट वन चल रहा है, बट इसने मेरे मुँह पे लगाया ना जो शेड इन्होंने, तो वो ना एक तो लगाया जो बिल्कुल मेरे शेड का, मतलब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ मेकअप लगाया भी है. और एक है जो थोड़ा एक शेड लाइटर है, थोड़ा कूल टोन दे रहा है, तो मैं क्या लूँ फिर? सो जब तक मेरे फेस के ऊपर वो टेस्टर ट्राई कर रही थी कि कौन सा शेड मेरे स्किन टोन पर परफेक्टली मैच हो रहा है, तब तक स्नेहा वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद वन ऑफ आवर फ्रेंड्स कि कौन सा पैलेट बेटर रहेगा, कौन सा फाउंडेशन बेटर रहेगा. मैक पे ऑफर चल रहा था बाय टू गेट वन फ्री. नायका ऐप पे जो भी ऑफर्स चलते हैं, नायका लक्स स्टोर में भी वही सेम ऑफर्स चलते हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और स्नेहा ने ऑलरेडी एक आई शेडो पैलेट फाइनलाइज कर दिया था, मेकअप रेवोल्यूशन का ही आई शेडो पैलेट, विच वॉज ब्यूटिफुल विथ सम ब्राइट कलर्स. मुझे अच्छा
ভালো লাগছে, কেকি লাগছে, কেকি লাগছে না কি, শুধু ফাউন্ডেশন লাগিয়েছে एक्चुअली शी वॉज अ बिट कन्फ्यूज फॉर माई परफेक्ट शेड. तो पहले उन्होंने NC20 मेरे लेफ्ट चीक पर अप्लाई किया, उसके बाद राइट चीक पर उन्होंने NC15 अप्लाई किया, बट NC15 वॉज लुकिंग टू लाइट फॉर माई स्किन टोन, तो NC20 ही मेरा शेड था. फाइनली शॉपिंग इज डन, ये हमारा फाइनल शॉपिंग बास्केट है. मैंने मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और मैक मेकअप फिक्सर लिए दो, एक मेरे लिए और एक मेरी दीदी के लिए. बाय टू गेट वन फ्री ऑफर में मुझे एक मेकअप फिक्सर फ्री में मिल गया था, दैट वॉज रियली गुड, बट दीज वेर वेरी एक्सपेंसिव. एंड दिस वॉज आवर लग्जरी शॉपिंग, जो हमने 10,000 से भी ज़्यादा की शॉपिंग की थी उस दिन, सिर्फ और सिर्फ मेकअप. तो हम लोगों का तो शॉपिंग हो रहा है अभी, हम लोगों ने नायका से शॉपिंग की है. सो हम दोनों का ही आज फर्स्ट लग्जरी शॉपिंग हो गया. सो अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ रैंडम चीज़ें घर के लिए खरीदना है, वही खरीद रहे हैं एंड देन बैक टू होम. और जब हम लोग मैक के लिए खरीदने गए थे, मैक एंड ऑल, तो उसके हम लोग फेस मेकअप भी कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और भी बहुत सारी शॉपिंग बाकी थी, तो मैं और स्नेहा उसी शॉपिंग को कर रहे थे. स्नेहा ने मेकअप रेवोल्यूशन का एक आई शेडो पैलेट लिया था, उसमें भी कोई ऑफर नहीं था, और टू फेस्ड का एक फाउंडेशन लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस फाउंडेशन है, उसमें भी कुछ ऑफर नहीं था. एंड दैट फाउंडेशन इज ब्यूटिफुल, मैक से बहुत ज्यादा बेटर है वो फाउंडेशन. एंड उसने फिर मैक का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लिया एंड मेकअप फिक्सर भी लिया. बहुत ही ज्यादा भीड़ थी उस दिन, पैसिफिक मॉल वॉज टू मच क्राउडेड और बैठने की भी जगह नहीं थे उस दिन, इतना ज्यादा क्राउड था. आज संडे है एक्चुअली, तो संडे के दिन बहुत ही ज्यादा रश है, पूरा फुल है फूड कोर्ट और बैठने की भी कोई जगह नहीं है. बाय द वे आई एम लविंग माय मेकअप, अभी मेरे फेस पर फाउंडेशन है मैक का NC20 और 15 शेड. तो इस साइड आई थिंक 20 शेड था और इस साइड 15 शेड और इस साइड 20 शेड था. एंड आई एम लविंग माई मेकअप. और हुडा ब्यूटी का जो क्रीम ब्लश है वो उन्होंने लगा दिया था, सो इट्स लुकिंग वेरी फ्लॉलेस. सो बाय द वे अभी आज पूरा फुल रश है, हम लोगों को दो या तीन चीज़ें खरीदने हैं अभी, सो लेट्स सी. पैसिफिक मॉल में कुछ शॉपिंग की, उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए हमें रजौरी गार्डन जाना था, तो हमने ये टुक टुक गाड़ी बुक की थी 50 रुपीज़ की. पैसिफिक मॉल से फिर हम रजौरी गार्डन गए. तो अभी हम लोग आ गए हैं रजौरी मार्केट और यहाँ पर हम लोग और नेल ढूंढ रहे हैं, सो एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, कुछ खरीदना वरीदना भी है, सो लेट्स सी कितना मिलता है. वैसे तो मैं पिछली बार भी रजौरी आई थी बट ब्लॉग करना मैं भूल गई थी उस टाइम. नेक्स्ट टाइम ना हमें वही घंटा तो बोधा नहीं बचेगा, हम कैब झुके शाइनी तुम्हें कलर तो मैच कौन से रजौरी में हम लोग रजौरी मार्केट में रजौरी गार्डन मार्केट मेन मार्केट रजौरी गार्डन हाँ हाँ रजौरी गार्डन वाला मार्केट होगा ना वो टाइप का ना रजौरी गार्डन मार्केट. ये प्रीटी कैस्टल की तरफ आगे इसी में है. हाँ जी खूब सारा शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए. ये थे स्वीट पोटैटो चाट, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. 50 रुपीज प्लेट, एक प्लेट लिया था हमने. बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, एकदम चटपटा. बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से
फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हुई आफ्टर 6 लॉन्ग आवर्स और हाशिम हमें लेने आया था रजौरी, तो हम घर गए एंड घर जाके हमारा डांस प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। बज रहे हैं 11:30 लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 11 मेरे 11 मेरे 11 चलो लेट्स स्टार्ट। गेंदा धोल में ख्याल रखना है भाई। Do it the my way, नहीं तो इनको फर्क यारों की पहना, इसकी उसकी कौन किसकी ज्यादा दाइमा, उससे पीछे करने को तो और बढ़िया। Pretty pretty please, wow, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो मजा आया। सैंडो को मौका मिले ताली मारना शुरू। 3 2 1 चुनरी 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 अगर खुलो चुनरी बर्बाद करेगा। चुनरी 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 क्या कर रही है? हायो रब्बा पे लग रहा है। हायो रब्बा 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 हायो रब्बा। इसमें तुम लोग हमें खींच लेना, मैं एक्टिंग करूंगी। नहीं 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 नही